उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक शोरूम में लूटकर हजारों की नकदी और सामान लेकर फरार होने वाले लुटेरे गैंग को पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट में शामिल 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक यह लूट करने वाला गिरोह अलग अलग जनपदों में लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। तो वहीं पुलिस की पकड़ और अभी गैंग के 3 अन्य सदस्य भी फरार हैं, जिन्हें पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। दरअसल मामला जनपद के थाना कटघर क्षेत्र अंतर्गत एक शोरूम का था, जहां एक माह पहले गैंग के सदस्यों ने रेकी कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लुटेरों की लूट करने का तारीख बिल्कुल अलग था। इसमें महिला सामान बेचने के बहाने शुरू में दुकान में रेकी करते थे और फिर शाम को वारदात को अंजाम देते थे, जिसके बाद सामान छिपाने में भी महिला गैंग की मदद से करती थी। कई वारदातों को अंजाम देने के बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर कर गैंग पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और 5 आरोपियों को जेल भेज दिया। तो वहीं पुलिस अभी भी अन्य 3 सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। पुलिस को अपराधियों के पास 20,600 रुपए नगद, एक तमंचा, एक चाकू के साथ अन्य सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने सभी आरोपियों का मेडिकल कराकर जेल भेज दिया है। एक मास्टर टाइल्स शोरूम था, जिसमें रात को कुछ लोगों द्वारा वहां पे शटर तोड़कर डकैती की वारदात की गई थी। उसके बाद लगभग 17 तारीख को भी इन्होंने काशीपुर तिराहे पे भी सेम तरह की वारदात कारित की गई थी। तो इनका अनावरण करते हुए थाना कटघर की पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी शाहजहांपुर के रहने वाले, लगभग 22-23 साल उम्र के हैं, और इनमें दीपचंद्र, भारत, ब्रजपाल, अशोक तथा एक महिला भी है जो गिरफ्तार की गई है। इनके पास से 26,300 रुपये बरामद किए गए हैं, साथ में एक तमंचा, कारतूस और चाकू की भी बरामदगी की गई है। इस समय 3 लोग इनके गैंग से फरार चल रहे हैं, रोहित, तेजपाल और किशन पाल। इनके ऊपर पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं और इस पे भी कार्य चल रहा है कि बाकी विवेचना का है। सर, किस तरीके से रैकी की थी इन लोगों ने, कब से रैकी कर दी? इनका घटना करने का तरीका इस तरह था कि ये टॉर्च या इस तरह की फेरी लगाते थे और जगह जगह घूमते थे। उस फेरी के दौरान ये देख लेते थे, आइडेंटिफाई कर लेते थे कि कौन सी दुकान पे ये घटना कारित कर सकते हैं, और फेरी रैकी करने के बाद फिर इस घटना को कारित करते हैं। ठीक।